पीपल्स पार्टी ने 12 साल से सिंध के लिए कुछ नहीं किया, अब जियाले रहनुमा किस मुंह से विफाक पर तनकीद कर रहे हैं। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल सिंध सरकार पर बरस पड़े, बोले एमक्यूएम भी डिलीवर करने में नाकाम रही। वजीर आजम आए और 1100 अरब की कहानी सुनाकर चले गए। एपीसी के बाद एक दूसरे पर गोलाबारी चल रही है। चंद दिन पहले कराची के मसाइल हॉट इश्यूज थे, शहर में दोबारा बारिश होगी तो दोबारा ड्रामे शुरू हो जाएंगे। दिनों पहले की तक की बात है कि कराची के मसाइल हॉट इश्यूज थे, एपीसी हो गई, सारी बातें अब एपीसी के ऊपर है कि भाई कौन हुकूमत गिराएगा, कौन एक दूसरे से जो है वो गोलाबारी चल रही है अब लफ्जों की। दोबारा जब बारिश होगी, जब तबाही बर्बादी दोबारा होगी, दोबारा कैमरे लगेंगे, दोबारा फिर ड्रामे शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर कोई आएगा जाएगा, बयानात देगा। एपीसी से अगर आप बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको होस्ट किया है, उनको ये हक नहीं पहुँचता किसी के ऊपर वो उंगली उठाएं, इसलिए कि उनके खुद अपने कारनामे माशाल्लाह से जो हैं कश्मीर से लेकर कराची तक वो चीख चीख कर बोल रहे हैं तबाही बर्बादी है। फिर एमक्यूएम को मौका मिल गया है इन तमाम चीज़ों के ऊपर, अब वो कहते हैं कि भाई काम तो उस वक्त होगा शहर का जब हम नया सूबा बनाएंगे। कि लोग इस नारे के पीछे छुप जाए, एक कहता हम सूबा हम बनाएंगे, दूसरा कहता हम धरती माँ को तोड़ने नहीं देंगे। दोनों के पास इख्तदार रहा है, एक के पास आज भी है, दूसरे के पास भी आज है। 1100 अरब रुपए की कहानी कागजों पे आए, पढ़ के चले गए वजीर आजम साहब, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं है, कोई फॉलोअप नहीं है। पैकेज तो ऐसे ही बातों का सिर्फ जो है वो टूर्नामेंट है।